गोवंश तस्करी के मामले में लखनादौन थाना प्रभारी महादेव नगोदिया की सक्रियता के चलते पुलिस ने गायों से भरे दो ट्रक पकड़े। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर NH7 सहजपुरी के पास दो ट्रकों को पकड़ा, जिसमें 20 नग गाय के, 9 नग नाटा के, 2 नग बैल एवं 1 सार सहित कुल 32 मवेशी पाए गए। वहीं दूसरे ट्रक में 14 नग पाए गए। मवेशियों को ट्रक से भारी कुर्ता के साथ गर्दनों एवं पैरों पर रस्सियां बांध कर ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस को देखते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को खड़े कर सहजपुरी के जंगल में भागने देर नहीं लगाई और ट्रकों को रोड पर ही छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने दोनों ट्रक में पाए गए मवेशियों को सुरक्षित स्थान गौशाला में छोड़कर ट्रकों को जब्त कर लिया। आरोपियों पर गोवंश प्रतिषेध अधिनियम धारा 6-7-10 एवं अन्य अधिनियमों के तहत कार्रवाई कर अपराध कायम कर दिया। IN7 न्यूज के लिए लखनादौन से प्रफुल्ल सोनी की रिपोर्ट। दो ट्रकों में गौवंश को लोड करके और उनको कसाई खाने ले जाने के लिए दो ट्रक निकले हैं, जिनको गणेशगंज एवं से निकलने की सूचना मिली थी, जो गणेशगंज के पास पार्टी बना करके और घात लगाई गई। तभी ये जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उन ट्रकों को रोकने की कोशिश की, जो ट्रक भागने लगे, जो सहजपुरी के पास दोनों ने ट्रक खड़े करके और चालक भाग गए थे, उन ट्रकों को वहाँ पर उपस्थित गवाहों के समक्ष रोक करके चेक किया गया, जिसमें ट्रक क्रमांक MH1949-0297, इस ट्रक में 14 गाय, 8 नाटा बैल, 2 सांड, 2 नग गाय ये पाए गए एवं CG04JB 1465 ट्रक, इसमें 20 नग गाय, 9 नाटा, 2 बैल, 1 सांड पाया गया। इसमें 2 नाटा, 1 गाय एवं 1 सांड मृत अवस्था में पाए गए, क्योंकि बड़े ही क्रूरता पूर्वक आरोपियों द्वारा ये इनको भर करके ट्रक में और परिवहन किया जा रहा था। इन ट्रकों पर धारा 4-6-6-9 मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 6-7-10 मध्य प्रदेश कृषि परीक्षक अधिनियम, 11-7 पशु कुर्ता अधिनियम, 66-192-3/7 ECF के तहत कार्रवाई की गई है। और इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए उक्त ट्रकों को राहत करने की कार्रवाई की जाए।